जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल जो है उसकी कट ऑफ जो है कट ऑफ कितनी जाएगी। एग्जाम का जो पैटर्न था उसके हिसाब से ये जो है कई स्टूडेंट जो है उसका पेपर का लेवल देखकर हमने ये कट ऑफ तैयार करी है। तो लगभग जो है इसमें एक से दो नंबर इधर उधर हो सकते हैं दोस्तों। तो मेन जो है मोटी मोटी बात जो है आपको जब कट ऑफ आएगी तब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। तो आपको पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो एग्जाम का लेवल था ना दोस्तों, एग्जाम का जो लेवल था वो कई शुरुआत के जो एग्जाम थे ना, शुरुआत के पेपर में जो है जो आप कह सकते हो थोड़ा ठीक ठाक था एग्जाम। उसके बाद जो है एग्जाम का लेवल थोड़ा कम हुआ और कईयों में आपको बढ़ता हुआ नजर आया। तो सभी को मिला जुला देख कर हम जो है एक कट ऑफ तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट से ही पूछ कर और पेपर का लेवल भी देख कर। तो जैसे आपको पता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आए थे आपको, 100 नंबर का पेपर था, 100 क्वेश्चन आए थे, 100 मार्क का पेपर था। और क्या क्या आया था उसमें, इसमें जो थी जीके जीएस जिसको हम कहते हैं करंट अफेयर सारा कुछ मिला के 50 नंबर की थी ना ये। आपका जो मैथमेटिक्स था इसमें लगभग 15 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। और रीजनिंग का पोर्शन जो था दोस्तों, रीजनिंग ये 25 नंबर की थी। बाकी जो है 10 नंबर की आपकी कंप्यूटर साइंस थी, कंप्यूटर के क्वेश्चन कितने थे तो 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है। तो कितने हो गए, 25 हो गए, 15 हो गए, ठीक है। तो हमने जो पेपर देखा ना दोस्तों, पेपर जो देखा था उसके हिसाब से आप मान के चलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स ने जो जीएस और जीके वाला पोर्शन था इसमें करंट अफेयर ज्यादा रखी दोस्तों। तो जिसने करंट अफेयर अच्छे से करी उसका तो सही हो गया इसमें। तो मिली जुली बात की जाए तो 25 क्वेश्चन तो लगभग सबके ही सही थे दोस्तों, और जो बाकी थे बाकी तुक्के लगे हैं। तो लगभग जो है इसमें जो बच्चों के नंबर बने हैं वो 30 से लेकर 35 के बीच में आ जाएंगे। 30 से लेकर 35 तक जो है ये एवरेज है, सब कुछ मिला दिया जाए तो एवरेज जो है 30 से लेकर 35 तक क्वेश्चन बच्चे के सही है। एवरेज जो है ना, कईयों के 40 भी है, कई के 45 भी है, कई के 20 भी है। तो 30 से लेकर 35 तक जो है मान के चलिए सही है बच्चों। मैथ्स में दोस्तों 7 से लेकर 8 क्वेश्चन बच्चों ने अटेम्प्ट किए जो अब तक जितने एग्जाम्स हुए, ठीक है। रीजनिंग में बच्चों ने ठीक ठाक स्कोर किया इसमें 20 से लेकर 22 मान के चलिए 20 से लेकर 22 तक जो है रीजनिंग आसान आई थी, तो रीजनिंग में 20 से लेकर 22 तक क्वेश्चन बच्चों ने सही किए। कंप्यूटर में सबका एक जैसे ही आ रहा था, 5 से 6 क्वेश्चन सबके जो है लगभग ठीक थे और बाकी तुक्का ही मारा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग होगी, कंप्यूटर हो गया, ये सारी चीजें होगी। अब टोटल जोड़ा जाए दोस्तों, टोटल देख हम देखा जाए तो लगभग 30 अब मिनिमम जो 30 से 37 हो गए, 37 और 20 कितने हो गए, 51 हो गए और 5 62 हो गए, ठीक है। तो लगभग जो है अगर हम देखा जाए मैक्सिमम जो देखा जाए आप कट ऑफ ये देखोगे, जनरल की देखोगे आप जो जनरल वाली है, ये मेल की बात करूं मैं, मेल जनरल की कट ऑफ जो है दोस्तों आप देखने में आएगी आपको लगभग 65 से लेकर 68 के बीच, 65 से लेकर 68 के बीच में आपको देखने में मिलेगी। और मैं आपको बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ होगा इसमें। जनरल हो गया, ओबीसी जो होगा इसमें, ओबीसी की आप देखोगे इसमें लगभग ज्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं, 63 से लेकर 66 के बीच लगभग एक दो नंबर ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे, जनरल से थोड़ा कम होगा। एससी थोड़ा ज्यादा नहीं चाहिए, एससी जो है इसकी कट ऑफ आपको देखोगे 58 तक होगी, 58 से लेकर 60 के बीच, ठीक है। लड़कों के जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होगा इसकी लगभग जो है ना ओबीसी की तरह ही जाती है, तो थोड़ा आप कम मान लो, लगभग इसकी आप मान लो 61 से लेकर 62 के बीच में इन कट ऑफ किसकी जाएगी, ईडब्ल्यू वन, ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले, ठीक है। ये बात होगी किसकी दोस्तों, तो मेल वालों, लड़कों। फीमेल की बात करें, फीमेल जो है उनकी कट ऑफ जो है दो दो नंबर कम कर लो इसमें, तो फीमेल की आप देखोगे 64 से लेकर 66 के बीच जनरल में, ओबीसी में आपको देखने मिलेगी 60 से लेकर 62 तक, ठीक है। एससी की जो है थोड़ी और कम ले लो इसमें 55 से लेकर 57 तक। ईडब्ल्यूएस जो है इसमें इनकी कट ऑफ जो है 58 तक माने चलो, 58 से लेकर 60 तक लिख लो, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपको जो है देखने मिलेगी। अब आगे कौन निकलेगा दोस्तों, आगे वो निकलेगा जिसने कम से कम गलती करी, अटैम्प्ट जिसने किया ना उसमें उसने तुक्के नहीं मारे, जिससे उसने 60% अटैम्प्ट किए वो सारे के सारे सही है, तो ऐसे बच्चों के जो है नॉर्मलाइज होकर वो आगे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, उनके नंबर थोड़े बढ़ जाएंगे। और जिन्होंने ज्यादा गलत किए हैं वो 70 नंबर भी उनके थोड़े कम हो जाएंगे,
ये नॉर्मलाइजेशन होती है आगे चलकर। तो जिसके भी क्वेश्चन तो है दोस्तों 65 से ज्यादा सही है, 65+ है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दे। तो ये जो है कट ऑफ मैंने बताई आपको, लगभग यही आपको देखने मिलेगी। फिर भी आपको कुछ अलग लगता है इससे तो आप कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है।